दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, और आज का समय चतुर चालाक लोगों का है। अगर आप आज के समय में चतुर और चालाक नहीं हैं, तो दुनिया आपको बेवकूफ़ कहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भोलापन कैसे दूर करें और चंट चालाक कैसे बने। क्योंकि दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो यह सुनते सुनते परेशान हो चुके हैं कि तुम कितने भोले हो, क्योंकि आज के दौर में भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आपको जीना है, टेंशन फ्री जीना है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपको चालाक बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चालाक नहीं हो तो आप अपने काम के कारण ही नहीं, दूसरों के कारण भी परेशान रहते हो। जो व्यक्ति सीधे होते हैं, वो कई बार ऐसी जिम्मेदारी ले लेते हैं जिससे उनका कोई वास्ता नहीं होता, जिसके लिए वो आसानी से मना भी कर सकते थे। तो दोस्तों, हमें चतुर चालाक बनना पड़ेगा। चतुर चालाक बनने से हमारा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी चालाकी से किसी को बेवकूफ़ बनाओ। चालाक बनने से मतलब है कि कोई आपका बेवकूफ़ ना बना पाए, किसी के जाल में ना फंस जाओ, और बाद में कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे चालाक ना होने के नुकसान क्या क्या होते हैं। बहुत सीधा साधा भोला बन के रहने से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। कई बार हम दूसरे लोगों के कारण जाने अनजाने में परेशान रहते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो सीधे स्वभाव के होते हैं, उनको ना कहना नहीं आता है, जिस वजह से वो कई बार ऐसी जिम्मेदारी ले लेते हैं जिसका उनसे कोई वास्ता नहीं होता। अपने फील्ड में बहुत अच्छे और टैलेंटेड होने के बाद भी वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें होना चाहिए। वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उन्हें होना चाहिए, और वहीं चालाक लोग कम टैलेंटेड होने के बाद भी उनसे आगे निकल जाते हैं। सीधे स्वभाव वाले लोगों को लोग जाने अनजाने में उनका फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि कई बार सामने वाला ये जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, पर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो आपको ही चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मना नहीं करेगा, और आप बिना किसी मतलब के उलझनों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप तनाव में रहते हो। क्योंकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि सीधे लोगों को बुरा नहीं लगता, इसलिए भोले वाले लोगों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जो लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें कोई लड़की भी पसंद नहीं करती, क्योंकि अच्छे स्वभाव के कारण हो सकता है कि वो आपकी इज्जत करे, पर कोई भी प्यार के रूप में सीधे लड़के को पसंद नहीं करती। आपको कई बार इस तरह का क्रेडिट भी नहीं मिलता जो काम आप करते हो। दूसरे जो चालाक लोग होते हैं, वो आपकी जगह अपने नाम को आगे कर देते हैं और उनका नाम हो जाता है। कई बार लोग आपका फायदा उठाते हैं, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, आपको अपने आप पर बहुत गुस्सा आती है। दोस्तों, हो सकता है कि ये सब जो बातें हैं आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस जरूर की होंगी। आप भी ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, और अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो आइए हम जानते हैं कि चालाक कैसे बने। दोस्तों, अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ना बोलना तो अच्छी बात नहीं है, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, पर कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होता है जिसका आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और ना ही आपका नाम होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी मदद ना करें, पर मदद करने से पहले आपको कुछ बातें गौर जरूर करनी चाहिए। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की ज़रूरत है, या वो आपकी हेल्प लेकर खुद आराम करना चाहता है? क्या उसकी मदद करने से आपके किसी काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अपनी फैमिली को जो टाइम आप देते हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी उसी तरह की हेल्प लेते? ऐसा सोचने से आपको उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या उसे बुरा ना लग जाए, और हम उसे ना नहीं कह पाते, और अपने ऐसे स्वभाव के कारण हम बिना किसी मतलब की परेशानियों में पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको वाकई में आपकी मदद की ज़रूरत है, या कोई खास जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझ कर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोचकर ही फैसला लेता है और अपना दिमाग चलाता है, और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में सबसे पहले आकलन करें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचाएं। शुरू में आपको इसमें कहने में टाइम लग सकता है, पर जब आप यह करने लगोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सही फैसले लेने लग जाओगे। सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो भोले लोग होते हैं वह यह सोचते हैं कि सब लोग उनसे खुश रहें, कोई उनसे नाराज ना हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। और जो भोले लोग होते हैं वह सबसे बड़ी यही गलती करते हैं जिसका दूसरे लोग कई बार फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चालाक बनना है, सबसे पहले यह सोचें कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं है,
आप सभी को खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो आपसे नाराज ही रहे, आपको कुछ लोगों की नाराजगी को इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को दूर कीजिए। चालाक बनने के लिए आपको अपने अंदर के डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ थोड़े बहुत लोग हों तो उनके बीच बोलना। हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे डर होते हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। जो लोग सीधे होते हैं वे अक्सर डरे और सहमे रहते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते। चार लोगों के बीच बात करने में उनको असहज महसूस होता है और हमें ये अपनी आदत बदलनी होगी। ये आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर हमें कोशिश ज़रूर करनी होगी। धीरे धीरे लोगों के बीच में बोलने की आदत डालिए। जब आप यह शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, समस्याओं का हल निकालना सीखें। अगर आप चालाक बनना है तो आपको समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और इस कारण वे उस प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं, जबकि चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत धैर्य से काम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वह घबरा के जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। एक भोला व्यक्ति वो कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या किस्मत को कोसने लग जाता है, पर चालाक व्यक्ति उसे ज़िंदगी का हिस्सा मानता है और वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें, चाहे रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ या ऑफिस मीटिंग में, आपको एक तथ्यपूर्ण बात करने वाला बनना होगा। तथ्यपूर्ण बात करने का मतलब यह है कि जिस विषय पर बात हो रही है उसी विषय पर हमें बात करनी होगी और वही बात करें जो वाकई में संभव है, जो सबकी समझ में आए। जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी ही नहीं सुननी चाहिए, हमें सामने वाले की बातों को भी ध्यान में रख के सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। तभी आप सामने वाले को सही जवाब दे पाओगे, तभी सामने वाला आपसे बात करने में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ही बात सुनाओगे और सामने वाले को सुनोगे ही नहीं तो वह आपकी बातों में रुचि नहीं लेगा। हो सकता है आपको किसी विषय पर बहुत अच्छा ज्ञान हो, ऐसे में अगर आप सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, ऐसे में अगर आप सामने वाले की बातें ही नहीं सुनते हो और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हो, तो आपको यह नहीं करना चाहिए। पहले सामने वाले को उसकी बात खत्म करने का मौका दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात शुरू कीजिए। अगर आपको एक अच्छा बात करने वाला बनना है, अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है और आप चाहते हो कि लोग आपको समझदार समझें, तो उनके लिए आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि नई जगह पर अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपकी इमेज जहाँ जैसी बन गई वहाँ पर अपनी इमेज बदलना लगभग मुश्किल होता है। जो लोग आपको भोला भाला समझते हैं वहाँ पर अपनी इमेज चंट चालाक बनाना बहुत मुश्किल काम है, उसमें बहुत समय लगेगा। पर जहाँ पर कोई आपको पहले से नहीं जानता है वहाँ आपकी कोई इमेज नहीं बनी है, तो वहाँ पर अपनी इमेज भोले वाले व्यक्ति की तरह पेश ना करें। जैसे आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे पहले ना मिले हो, तो अपने आप को एक चतुर व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करें। दोस्तों, अगर आप चालाक बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सको, तो सबसे पहले जरूरी है कि समय और पैसे का सही उपयोग आपको आना चाहिए। चालाक लोग अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, वो जानते हैं कि जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह पैसे को भी वो फालतू में खर्च नहीं करते, बेवजह का खर्चा कभी ना करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पैसा सिर्फ वहीं खर्च करें जहाँ ज़रूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्च करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपने जो सामान खरीद लिया है वो आपके काम ही ना आए, तो दोस्तों वहीं पर पैसा खर्च करना है जो आपके काम आ सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी टिप्स आपके लिए बताए हैं वे आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आपको कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही हमें यह बताइएगा कि हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इसको किसी को शेयर किया जा सकता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।